अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, हम आपके लिए लेके आए हैं जी एक कनाल का हाउस, और ये बड़ी अच्छी लोकेशन पे है और घर भी बहुत प्यारा है। हम आपको जैसे दिखा रहे हैं, ये रोड आप देख सकते हैं कितने फीट, मेरा ख्याल 30 to 40 feet है। और ये मेन पिया ये रोड से इसकी एंट्रेंस है, ये देखें। और ये इस तरह की इसकी लुक आ रही है। घर का फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक गाड़ी ऑलरेडी पार्कड है और इसकी आपको लोकेशन समझ आ रही है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो सकती है। और ग्रीन बेल्ट इन्होंने थोड़ा सा बनाया है, हम आपको दिखाते हैं। और वॉल वर्क कैसा किया है ये आप देख सकते हैं। और रैंप, रैंप देखें आप, रैंप क्वालिटी देखें आप, टाइल वर्क बहुत अच्छा किया गया है, डोर क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको इस तरह की फ्रंट एलिवेशन की लुक आती है। और अब हम दिखा रहे हैं आपको अंदर से घर के अंदर। अब दाखिल होते हैं तो राइट साइड पे आपको मिलता है जी, यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया है उन्होंने। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है जी कारपोर्ट, यहाँ पे सेडान कार्स जो हैं 3 to 4 कार्स इजीली खड़ी हो जाती हैं। और आपको दिखा रहे हैं हम इनकी सीलिंग दिखा रहे हैं, टाइल वर्क वॉल वर्क आप चेक करें। और अगर गेट के पास आप पेंट खड़े हो जाते हैं तो आपको इस तरह की लुक आती है। चलें जी घर के अंदर जाते हैं और आपको और मज़ीद दिखाते हैं कि उन्होंने वॉल वर्क किस तरह का किया है। ये देखें जी वॉल वर्क इनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और ये सीलिंग जैसा मटेरियल यूज़ किया गया है बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ओपन स्पेस दी गई है, मेरा ख्याल है ये 6 or 7 feet है, तो ये मेरा ख्याल क्रॉस में दी है। आगे राइट साइड पे भी इसके ओपन स्पेस है। और यहाँ पे आप वॉल वर्क देख सकते हैं, ये क्या मटेरियल यूज़ किया गया आपको टच करके दिखाते हैं, करीब से भी दिखाते हैं। अगर आप गैराज के अंदर खड़े होते हैं तो आपको एक साइड पे खड़े होकर इस तरह की लुक आती है जी घर की। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त घर बनाया गया है, ओनर ने इसको बड़ी दिलजमी से घर को बनाया है। ये जो आर्टिफिशियल ग्रास रखा गया है यहाँ पे नीचे, टाइल वर्क मेरा ख्याल किया है, नहीं मेरा ख्याल ये ओरिजिनल ग्रास है। और यहाँ पे इजीली आप अपनी चेयर्स और टेबल लगा सकते हैं, और ये ड्राइंग रूम की विंडो है साथ। अब हम जी घर के अंदर जा रहे हैं, नीचे टाइल वर्क आप देख सकते हैं, डोर क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी यूज़ की गई है। और जब आप एंटर होते हैं तो आपको इस तरह की लुक आती है। राइट साइड पे आपको मिलता है जी ड्राइंग रूम, ये लेटर ऑन हम आपको दिखाते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपको मिलती है जी स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे और जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ किया गया, यूटिलाइज़ करके वहाँ पे वॉशरूम बना दिया गया। ये हम आपको वॉशरूम दिखा रहे हैं। शावर है, सीट भी है और बेसिन भी इसमें लगाया गया है। टाइल वर्क आप इसका देख सकते हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये जब हम जा रहे हैं ड्राइंग रूम के अंदर, ड्राइंग रूम में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जी इस हाउस की सीलिंग दिखा रहे हैं। सीलिंग आप देखें बहुत ज़बरदस्त सीलिंग की है उन्होंने। टाइल वर्क आप देख सकते हैं, जिस तरह आपको एक ग्लास या मिरर की लुक आती है उस तरह की है। इसका वॉल वर्क आप देख सकते हैं, वॉल पे इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। ये मेरा ख्याल उन्होंने 3D पेपर यूज़ किया है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी का 3D पेपर है। ये भी 3D पेपर है, ये भी वॉलपेपर यूज़ किया गया है।
ये विंडो है जहाँ आपको बाहर से बड़ी अच्छी लुक आ रही है। अगर आप ड्राइंग रूम में एक साइड पर खड़े होते हैं तो आपको इस तरह की लुक आती है। ग्लास वर्क आप चेक कर सकते हैं। आप ये ग्लास वर्क हमने जो है काफ़ी प्रीमियम हाउसेज में देखा है, हर कोई इसको यूज़ करता नहीं है। और ऊपर आप डेकोरेशन देख सकते हैं, फैंस जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें। और ये इन्होंने एक सेपरेशन की है, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं जिस तरह आप यूटिलाइज करना चाहें। अब हम जी ड्राइंग रूम से बाहर जा रहे हैं, और ड्राइंग रूम आपने देखा जी बिल्कुल सेपरेट है। राइट साइड पे आपको मेन एंट्रेंस डोर मिल जाता है। मेन एंट्रेंस डोर में एंटर होते सबसे पहले आपको मिलता है जी लिविंग एरिया, काफ़ी बड़ा लिविंग एरिया है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जी सीलिंग। सीलिंग बहुत सिंपल है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन सिंपल सीलिंग बहुत अच्छी लग रही है। नीचे आप वर्क देख सकते हैं, टाइल वर्क कैसा किया गया है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है जी किचन, और किचन में भी इन्होंने ग्लास डोर यूज़ किया है, और ये हम आपको लेटर ऑन दिखाते हैं। और इस सीलिंग पे आप देख सकते हैं इन्होंने डेकोरेशन बहुत अच्छी की है। यहाँ पे सामने आपको मिल जाता है जी एलईडी पॉइंट। एलईडी पॉइंट जो है इसके आगे आप यहाँ पे रख सकते हैं जी सोफ़ा वगैरह, और यहाँ पे आपके टीवी एलईडी जब लग जाती है आप यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। वहाँ पे आप डाइनिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम में आपको सफिशियंट स्पेस मिलती है ड्राइंग रूम में डाइनिंग रखने के लिए। अब आपको दिखा रहे हैं जी किचन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको दिखाते हैं जी इसकी सीलिंग। सीलिंग बहुत अच्छी सीलिंग की है उन्होंने। और अब आपको दिखाते हैं जी इनकी शीट्स, इन्होंने किस तरह की शीट यूज़ की है। अच्छी क्वालिटी की शीट है, कोई ओल्ड स्टाइल नहीं है, लेटेस्ट शीट है। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरा ख्याल ऑटो है और अभी स्विच तो ऑफ है। टाइल वर्क आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा टाइल वर्क है। और किचन के साथ इन्होंने क्या दिया है, ये देखिए जी सब किचन है मेरे ख्याल, एक्स्ट्रा ऐड किया गया। और इसकी सीलिंग आप देखें, इसमें भी शीट्स जो हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी की शीट्स यूज़ की गई हैं। यहाँ से आपको डोर जो है ये ओपन एरिया बाहर आप जो है ओपन स्पेस आपको मिलती है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये देखिए जी जो आपको हमने फर्स्ट में दिखाई थी, वहाँ पे खड़े होके इस तरह की लुक आती है यहाँ पे। हम किचन से जा रहे हैं दोबारा लिविंग एरिया में, और लिविंग एरिया में जाते ही आपको अब दिखा रहे हैं जी यहाँ पे इनके बेडरूम्स। और सबसे पहले हम आपको इसको बेडरूम दिखाते हैं जो राइट साइड पे हमें मिलता है। व्यूअर्स हम आपको दिखा रहे हैं जी इनकी सीलिंग। सबसे पहले सीलिंग बहुत अच्छी सीलिंग की है इन्होंने, सिंपल है लेकिन बहुत अच्छी मैच कर रही है, एक थीम को फॉलो किया गया। नीचे टाइल वर्क आप देख सकते हैं। और ये दिया गया जी वॉशरूम। वॉशरूम में आपको दिखाते हैं कि इन्होंने फुल लेंथ अलमारी दी है, मेरा ख्याल फोर डोर है ये, और इसमें आप देखें फोर डोर अलमारी दी है वॉशरूम के बिल्कुल साथ। और ये है जी वॉशरूम। सीट, शावर, बेसन, ग्लास, हर चीज़ इंस्टॉल्ड है, वर्किंग में है, और बहुत अच्छे थीम के मुताबिक इसको तैयार किया गया है। व्यूअर्स हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं जी इसका सेकंड रूम जो है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनकी सीलिंग। सीलिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने, और ये एज इट इज़ उन्होंने टाइल वर्क किया, नीचे बहुत अच्छा टाइल वर्क है। डेकोरेशन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी की है उन्होंने।
और मेरा ख्याल है इन्होंने एज इट इज़ जो है 3 डोर फुल लेंथ अलमारी यहाँ पे बनाई है, देख सकते हैं आप। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम जो है इन्होंने कंजेस्टेड नहीं बनाया है, काफ़ी ओपन स्पेस दी है। सीलिंग आप देखें, और ये देखें जी ग्लास इनका ऊपर, लाइट इंस्टॉल्ड है। ये सीट है, और ये शावर टाइल वर्क आप देखें, बहुत अच्छा किया है। तो व्यूअर्स हमने आपको दिखाया जी ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में 2 बड़े बेडरूम दिखाए हैं, एक लिविंग एरिया दिखाया है और किचन दिखाया है जिसका एक सब पोर्शन भी था साथ। और आपको हमने ड्राइंग रूम दिखाया और बड़ी गाड़ी का गैराज, सिर्फ एक बड़ी गाड़ी जिसमें 3 से 4 बड़ी गाड़ियां आराम से आ सकती हैं। और अब हम जा रहे हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, और ये जा रहे हैं जी, सबसे पहले आप देखें जी इनकी स्टेयर्स, जब वो ऊपर आते हैं सबसे पहले आपको तो इस तरह की लुक मिलती है, ये देखें जी। यहाँ पे आपको मिलती हैं जी स्टेयर्स, और राइट साइड पे आपको मिलता है जी रूम, ये लेटर ऑन हम आपको दिखाते हैं। और ये है जी ओपन एरिया जो आपका टेरेस है, हम आपको बाद में दिखाते हैं, बल्कि पहले आपको टेरेस दिखाते हैं। टेरेस पे सामने आप नीचे उतरते हैं तो इस तरह के टाइल वर्क किया है उन्होंने, और इस तरह की लुक आती है जी। सामने एक वॉशरूम दिया गया है, अगर बाहर को बैठा है तो उसके लिए वॉशरूम जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और सीट, शावर, बेसन, ग्लास, टाइल्स, लाइट्स, सीलिंग, हर चीज़ आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड है। व्यूअर्स अब हम आपको दिखा रहे हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे क्या बनाया है इन्होंने। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जी इनका राइट साइड पे जो रूम मिलता है, रूम में एंटर होती है सबसे पहले ज़बरदस्त किस्म की सीलिंग मिलती है आपको, ये देखिए डेकोरेशन माशाल्लाह उन्होंने लाजवाब की है, और ये पर्सनली मुझे घर बहुत पसंद आया। और ये देखिए जी इन्होंने पेपर वर्क को यूज़ किया, पेपर वर्क किया है, और बहुत अच्छी वॉल वर्क हो गया इनका, ये देखिए जी बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ की है उन्होंने। अब हम जा रहे हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे अंदर वाली साइड पे, राइट एक रूम आपको हमने दिखा दिया है, यहाँ पे एज इट इज़ आपको मिलता है जी लिविंग एरिया, सीलिंग आप देख सकते हैं। लिविंग एरिया में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक एलईडी पॉइंट, एलईडी पॉइंट के साथ बॉक्सेस मिल रहे हैं, यहाँ पे अपने डेकोरेशन पीसेज आप रख सकेंगे इजीली। और सामने आपको मिल रहा है जी एक किचन, और सामने यहाँ पे मिल रहे हैं जी 2 बेडरूम। हम आपको पहले दिखाते हैं जी किचन, किचन की आप सीलिंग देख सकते हैं सिंपल एंड डिसेंट, और अपडेटेड जो है डिज़ाइन शीट का यूज़ किया गया है, हर चीज़ यहाँ पे वर्किंग में है, और ब्रांडेड क्वालिटी जो है यूज़ की गई है। टाइल वर्क आप देख सकते हैं नीचे। व्यूअर्स हम आपको दिखा रहे हैं अब बेडरूम, जो 2 बेडरूम ऊपर दिए गए हैं, और ये फर्स्ट वन जो राइट साइड पे आपको मिलता है, इस तरह की सीलिंग है इसकी, और टाइल वर्क कुछ इस तरह का है। सामने वॉशरूम में एज इट इज़ इन्होंने फिर 3 डोर जो है फुल लेंथ अलमारी बनाई है, बहुत यूज़फुल है, ये वॉशरूम के साथ ही होनी चाहिए। और ये वॉशरूम आप देख सकते हैं काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है, शावर, सीट और बेसिन, ग्लास, हर चीज़ इंस्टॉल्ड में। रूम में अगर एक कॉर्नर वाली साइड पर आप खड़े होते हैं तो आपको रूम की कैसी लुक आती है ये हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए जी काफ़ी बड़ा रूम है, और इस तरह की लुक आती है इसकी। और अब हम आपको दिखा रहे हैं जी सेकंड वन रूम, सीलिंग आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़, डेकोरेशन आप देखें बहुत अच्छी डेकोरेशन की है उन्होंने। कॉर्नर में खड़े होते हैं तो इस तरह की लुक आती है जी, टाइल वर्क आप देखें, सीलिंग देखें,
और ये हम जा रहे हैं जब वॉशरूम में, वॉशरूम हम आपको दिखाने वाले हैं। वॉशरूम में 3 डोर फुल लेंथ अलमारी दी गई है, ये देखें जी। सीलिंग आप देखें, बहुत अच्छी सीलिंग की है इन्होंने। और ये देखें जी, ग्लास है और वो लाइट्स इंस्टॉल है इसके ऊपर। बेसन आप देखें नीचे, वो कवर दी गई है। और यहाँ पे देखें जी, इन्होंने सेपरेशन क्या की है, आए देखते हैं। इन्होंने सीट को जो है बिल्कुल सेपरेट कर दी है, और सामने जो शावर है, शावर और सीट का एरिया जो बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। और ये देख सकते हैं सामने ग्लास इंस्टॉल किया है उन्होंने। टाइल वर्क आप देख सकते हैं अच्छा किया है। व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पे आपने देखा है कि 3 बेडरूम्स है, एक लिविंग एरिया, एक किचन है, और हर एक के साथ 3 डोर फुल लेंथ अलमारी दी गई है। अब हम आपको दिखा रहे हैं जी थर्ड फ्लोर पे इन्होंने क्या बनाया। सबसे पहले हम जा रहे हैं स्टेयर्स दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे आते ही आपको एक छोटा सा कमरा मिलता है, जहाँ पे आप जो है अपना स्टोर रख सकते हैं, जिस तरह की चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सफिशेंट है। छत पे आप आते हैं तो आपको इस तरह की लुक मिलती है जी। फिर घर हमने आपको मुकम्मल दिखा दिया है, उम्मीद है आपको घर बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।